नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के मोराबादी मैदान में, जहां आज आप कुछ अलग ही नज़ारा देखेंगे। दरअसल 27 जनवरी के शाम में यहां एक गोलीबारी होती है, जिसमें कुछ लोगों पर गोली चलाई जाती है और लोग घायल हो जाते हैं, जिसका हर्जाना अब यहाँ के सभी दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल वो जो मामला था, उसमें बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से कुछ लोग मोराबादी के दुकानदारों से पैसा वसूलने के लिए आए थे और इसी क्रम में गोलीबारी हुई और एक व्यक्ति की जान चली गई। हालांकि सभी व्यक्ति जो है आपराधिक, उनके शिकायत दर्ज थे, सभी लोग अपराधी थे, लेकिन ऐसे में अब मोराबादी के जितने भी छोटे से बड़े दुकानदार हैं, उन सभी को हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने अब मोराबादी में सभी को अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे के अंदर मोराबादी के जितने भी छोटे बड़े दुकान हैं, उन सभी को खाली कर दिया जाए। साथ ही साथ धारा 144 भी लागू कर दी गई है। ये किस प्रकार का नीति है यहाँ की, करे कोई और भुगते कोई। आप देख सकते हैं कि किसी और अपराधियों ने आकर मामले को अंजाम दिया, लेकिन उसका हर्जाना भी यहाँ के छोटे बड़े दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि आज सभी यहाँ पर आंदोलन के लिए आए हैं मोराबादी में। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ सरकार के द्वारा आप लोगों को कहा गया है, क्या अल्टीमेटम दिया गया है, इसके बारे में हम क्या बताएं। बेचारे सबका बाल बच्चा है, पेट अपना है, रोजी रोटी है, और तो कुछ दूसरा कोई नौकरी चाकरी नहीं है इन लोग का। तो सरकार इस तरह से करेंगे तब तो ये लोग जो है रोड पे भी आ जाएंगे, या बाल बच्चा भूखे मरेगा, अपने तो मरेगा, मरेबे करेगा। सरकार जो है कुछ दे तो नहीं रहे इन लोग। देखिए, अभी हमारे साथ यहाँ पर कई छोटे बड़े दुकानदार मौजूद हैं, जो आज यहाँ पर सरकार के द्वारा जो धारा लागू की गई है और साथ ही साथ 24 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया है दुकानों को बंद करने के लिए, इसके लिए आप सभी यहाँ पर आंदोलन करने आए हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक दुकानदार है बाबा टी स्टॉल के, जिनके पास न केवल पत्रकार बल्कि जितने भी यहाँ के बड़े विधायक, जनप्रतिनिधि, बड़े से लेकर छोटे लोग इनके दुकान में जाते थे चाय पीने। मैं अपनी खुद की ही बात करूँ तो पूरे मोराबादी में मैं इनके पास चाय पीने आती थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो अब नीति चलाई जा रही है, करे कोई और भुगते कोई। आप देख सकते हैं कि किसी और ने आपराधिक काम करके कोई और निकल गए हैं वहाँ से, जिसका हर्जाना इन दुकानदारों को भुगतना पड़ा है। चलिए इनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और अब आगे आप लोग क्या कुछ करेंगे। हम लोग का तो आदेश मिला कि दुकान पूरा खाली कर दो, तो हम लोग जानकारी लेने की कोशिश किए क्या मामला, हर्जाना इन दुकानदारों को भुगतना पड़ा है। चलिए इनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और अब आगे आप लोग क्या कुछ करेंगे। हम लोग का तो आदेश मिला कि दुकान पूरा खाली कर दो, तो हम लोग जानकारी लेने की कोशिश किए क्या मामला क्या है, तो यहाँ गोली बंदूक चल रही है, उसके कारण से हम लोग को दुकान खाली कराया जाए। तो शहर में तो कई राज्य कोई कई जगह पे कई दुकान पे गोली बंदूक चले, तो क्या वहाँ सारे दुकान बंद हो गए। कुछ दिन पहले टाइल्स के दुकान में जमीन मामला के लेकर के गोली चला हुआ था, तो क्या वो भी एरिया बंद हो जाएगा। कुछ दिन पहले रातू में गोली चला, तो क्या रातू के एरिया बंद हो गया। मोराबादी में कुछ दिन पहले भी चला था, फिलहाल में भी चला, तो क्या मतलब कि शहर में जहाँ भी गोली चले बस दुकान बंद करवा दीजिए, खाली करवा दीजिए, पूरे शहर को खाली करा दीजिए। ये क्या सरकार का नियम है, रूल है, पता ही नहीं चल रहा है। एकदम बेवकूफ़ी वाला बात चल रहा है। ठीक है, दुकान से अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो हम लोग को कहीं एडजस्ट किया जाए। इतना हम लोग पूरा दुकान संघ का व्यक्ति है, परिवार चल रहा है, तो हम लोग को कहीं दुकान दिया जाए, उसमें हम लोग अपना रोजी रोजगार चलाएंगे, दुकान खाली कर देंगे। अगर डायरेक्टली यहाँ से हटा दिया जाए तो हम लोग इतना परिवार है, हम लोग कहाँ जाएंगे, किससे मांगेंगे खाएंगे। ये तो हम लोग अपना मेहनत करते हैं, कमाते खाते हैं, केला खाए कोई और, गिरे कोई और, ये तो वही वाली बात हो गई। तो आपको लगता है कि ये सही विकल्प है जो सरकार एक तरफ आपराधिक मामलों को घटाने के लिए दूसरे की रोजगार छीन रही है, कितना सही विकल्प है ये? सरकार पुलिस यहाँ पे अपनी काम नहीं कर रही है। गोली चला कब, कितना लेट के बाद आया कब, और सारे जिम्मेदारी अभी हम लोग खुद हो गए। ये सरकार अपना गलती छुपाने के लिए सारे दुकानदार के ऊपर डाल दिया जा रहा है। अभी एक घंटा पहले की बात है कि आगे में एक कपूर भैया का दुकान है, कपूर भैया के सामने आगे से एक टर्निंग जाता है, अभी पूरा मोराबादी दुकान बंद है, पूरा रास्ता जो खाली है। अभी दो बाइक वाले आपस में टकर गए,
वही दुकान खुला हुआ रहता तो बोलता पुलिस कि चलो भाई तुम लोग जाम करके रखा है, अभी तो कोई जाम नहीं था, फिर भी दो बाइक वाले आपस में टकर गए। तो जो भी कुछ होगा सारा गलती मोराबादी में होगा और दुकानदार ही गलती हो जाएगा। और एक ही शहर में कई गो नियम लगते हैं मगर सबसे ज़्यादा नियम मोराबादी में लगेगा, ये अनदेखा हो रही है, ऐसा नहीं चलेगा जी। बिल्कुल देखिए, सरकार जो है इनका बिल्कुल सही कहना है कि कुछ भी होता है तो सीधे दुकानदारों पर थोप दिया जाता है, लेकिन आज ही की अगर बात कही जाए, प्रत्यक्ष देखा जाए, प्रमाण देखा जाए, तो आज सभी दुकानों को बंद रखा गया था, इसके बावजूद एक्सीडेंट हुआ। अगर सरकार की विधि व्यवस्था की ज्यादा नियम मोराबादी में लगेगा, ये अनदेखा हो रही है, ऐसा नहीं चलेगा जी। बिल्कुल देखिए, सरकार जो है इनका बिल्कुल सही कहना है कि कुछ भी होता है तो सीधे दुकानदारों पर थोप दिया जाता है, लेकिन आज ही की अगर बात कही जाए, प्रत्यक्ष देखा जाए, प्रमाण देखा जाए, तो आज सभी दुकानों को बंद रखा गया था, इसके बावजूद एक्सीडेंट हुआ। अगर सरकार की विधि व्यवस्था की बात करें तो लगातार 2 सालों में राज्य की विधि व्यवस्था सभी के सामने है। एक तरफ सरकार रोजगार देने का वादा कर रही है, लगातार कहती है कि लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि जिन्होंने अपनी मेहनत से दुकान खड़े किए थे, मेहनत घर को चला रहे थे, अब उनके भी रोजगार पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी भी रोजी रोटी उनसे छीनी जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरे पीछे जितने लोग आपको नजर आएंगे, ये सभी मोराबादी के दुकानदार हैं, किसी के चाय स्टॉल है, हर किसी का अपना अपना छोटा बड़ा दुकान है। और लोगों से हम जानेंगे कि आखिर अब आगे ये लोग क्या करने वाले हैं। देख सकते कि यहां पर महिलाएं भी है जो किसी तरीके से दुकान चलाकर अपना घर चलाती थी, लेकिन सरकार के एक फैसले की वजह से अब इनका भी रोजी रोटी इनसे छीना जा रहा है। इनसे जानेंगे कि आगे क्या कुछ करेंगे। दीदी, आप दुकान यहाँ पर आपका था, किस चीज़ का दुकान था? चाय अंडा का है। तो आप जब सरकार के द्वारा बंद करने के लिए कहा जा रहा है, आप क्या करेंगे? आप लोग वही चिंता में है कि क्या करेंगे, वही तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। आपको कितना सही लग रहा है कि सरकार जो ये फैसला ले रही है प्रशासन द्वारा दुकान बंद कराया जा रहा है? सही नहीं है, गलत है। आगे क्या रणनीति है? राजनीति आगे आगे क्या रहेगा, हम लोग तो यही सोचते हैं कि रोड में सब माँ बच्चा बाल बच्चा सब बैठ जाएंगे, सरकार हम लोग ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, गरीब हट जाएगा। देखिए, इन लोगों का कहना है कि आगे इन्हें नहीं पता कि इनके साथ क्या होगा, कब तक दुकानों को बंद रखा जाएगा। इधर आ जाइए चाचा, आप लोग बताइए कि किस चीज़ का दुकान है आपका मोराबादी में? दुकान है, ढुसका दुकान। हाँ, कितने सालों से चला रहे हैं? हम 10-12 साल हो गए मेरा। तो घर आपका कैसे चलता है, सिर्फ दुकान के माध्यम से या कुछ और भी? परिवार है, 15 परिवार, कैसे क्या करना नहीं करना हम समझते हैं ना, लेकिन सरकार के सोचना नहीं है। जितने सौ हाथ जोड़ते हैं और जीत जाते हैं पेट पर लात मार देते हैं, क्या सरकार क्या जिताने का पता है, कोई फायदा नहीं है। आप जिताए हैं सरकार को है? कितना लाभ मिल पाया है सरकार का? ही योजना लाई सरकार, जीता तो कुछ नहीं मिला है, पेट पर लाते मार रहे हैं। हाँ, योजनाएं कई लाई गई है गरीबों के लिए, हर तरीके के लिए, कितना ये मिला लाभ? हाँ, पूरे रांची बंद करवाए, क्यों मोराबादी बंद करवाए हैं, पूरे रांची बंद करवाए, हम तैयार हैं, हम भी बंद कर देंगे, हम चल जाएंगे, लेबर कुली काम करेंगे। गोलीबारी जो हुई क्या लगता है उसमें गलती दुकानदारों की थी कि या? का नहीं है, ये प्रशासन का गलती है, प्रशासन क्यों ना पहुंचे वहाँ, गोली चलता है तो क्यों ना आए वहाँ, रांची बंद करवाए, हम तैयार हैं, हम भी बंद कर देंगे, हम चल जाएंगे, लेबर कुली काम करेंगे। गोलीबारी जो हुई क्या लगता है उसमें गलती दुकानदारों की थी कि या? का नहीं है, ये प्रशासन का गलती है, प्रशासन क्यों ना पहुंचे वहाँ, गोली चलता है तो क्यों ना आए वहाँ, कहाँ रहते थे वो, तनख्वाह क्यों मिलता है उसको, दुकानदार को क्यों परेशान कर रहे हैं? देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, आप बताइए जो आपराधिक मामला हुआ उसके कितने देर बाद आपने देखा कि प्रशासन आ करके अपना काम कर रही थी? 15-20 मिनट बाद आया पलटा था ना, लेकिन वो चोनों ने ही चला चोतल तो पंचरवाया है। देखिए, यहाँ पर जितने लोग ये सभी दुकानदार ही है, सबकी अपनी कोई ना कोई दुकान चलती है और इसी एक दुकान ही जरिया है जिसके वजह से इनका घर चल पाता है। आप बताइए अब आगे आप लोग क्या करने वाले? सरकार ने, प्रशासन ने अपना काम कर लिया, आपकी दुकानें बंद करा दी गई, आगे अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग दुकान बंद करने वाले, यहाँ से हटाने वाले नहीं है, हम लोग इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, अपना हक के लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या करेंगे आगे, कैसे हक के लिए लड़ेंगे? क्या करेंगे, हम लोग विरोध कर रहे हैं, सारा हम लोग दुकानदार संघ हैं,
सब दुकानदार मिल के अपने जान और प्राण को सब त्याग देंगे। मुख्यमंत्री आपको नहीं लगता है कि सरकार जो कर रही है कहीं और किसी और की सजा किसी और को दिया जा रहा है, क्योंकि आप लोग कमजोर है, आप लोग सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, इसलिए आपके साथ ऐसा किया जा रहा है? इसलिए कि हम लोग गरीब है, रोड में ठेला चलाते हैं, ठेला चलाने वाला का कोई आस्तिक नहीं बचा है, कोई वैल्यू भी नहीं है। जो प्रशासन जहाँ मर्डर हुआ कुछ भी हुआ तो प्रशासन कहाँ थी? जो चार गो यहाँ पर प्रशासन का हेतु घूमता है गाड़ी 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर, उस समय क्यों नहीं आई? बताया जाता है कि सबसे रहीस इलाका है मोराबादी, फिर भी ऐसे मामले सामने आ रहे, क्या कहेंगे, कितना निंदाजनक है? इसलिए कि प्रशासन खड़ा नहीं है, ये प्रशासन की कमी है। सरकार का काम कितना अच्छा लग रहा है आपको, कितना सही लग रहा है, क्या कुछ कर रही है, आपको क्या लाभ मिला? प्रशासन को हमको झारखंड सरकार जो मुख्यमंत्री बनी है, गरीब का कुछ नहीं, गरीबी हटाओ इस शहर से, आ कबाड़ा फेंको इस गरीबी को, ये कबाड़ा हम लोग है, कबाड़ा वो फेंकना चाहती है। सरकार जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कई योजनाएं लाए गरीबों के लिए, कितना लाभ मिल पाए उन योजनाओं का? कुछ नहीं मिला, कुछ मिलवे नहीं किया, तो हम क्यों उनका नाम लेंगे।